How much, Dr.? Art? आठ तारीख को प्रधानमंत्री जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए थे। पिछले 4 दिन से देश के लोग सारा काम धंधा छोड़ के लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। पूरा देश कोई काम कर रहा, केवल बैंक से अपने नोट निकलवाने में लगा हुआ है। इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों को हार्ट अटैक हो गए, कई लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री जी तो ऐलान करके जापान चले गए। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि अब जापान से आएंगे और कुछ समाधान करेंगे। कल मैं भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम के आया था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, सारी मार्केट बंद पड़ी है, दुकान खोलने का कोई औचित्य नहीं बन रहा, मार्केट में लोग नहीं आ रहे, पैसे नहीं है उनके पास, दुकान वाले आगे सामान नहीं खरीद पा रहे, पैसे नहीं है उनके पास। तो लोग सोच रहे थे कि अब जापान से आएंगे प्रधानमंत्री जी और कुछ ना कुछ तो करेंगे ताकि लोगों के हाथ में थोड़े से पैसे आ जाए और उनकी जिंदगी चल सके। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी ने गोवा में भाषण दिया और उन्होंने कहा अभी 50 दिन और लगेंगे, मुझे 50 दिन दे दो, तो एक तरह से देश के अंदर लोगों के अंदर जो ये था कि अब आएंगे और कुछ करेंगे, वो नर्वसनेस और ज्यादा बढ़ गई है कि क्या अगले 50 दिन लोगों को इसी तरह से रोज लाइनों में खड़े होके गुजारने पड़ेंगे। क्या अगले 50 दिन इसी तरह से बिना रोटी के गुजारने पड़ेंगे, बिना दूध के गुजारने पड़ेंगे? क्या इसी तरह से ट्रांसपोर्ट के लोग कह रहे हैं कि परसों के बाद देश में ट्रांसपोर्ट नहीं चल पाएगा? ट्रांसपोर्टर्स, उनका कहना है उनके पास ड्राइवर्स को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, ड्राइवर्स के पास नाके पे पैसे देने को पैसे नहीं है, गाड़ी खराब हो जाए उसको ठीक कराने के पैसे नहीं है, डीजल भरवाने के पैसे नहीं है। सारे देश में अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो गया तो सब्जी कैसे आएगी, दूध कैसे आएगा, फल कैसे आएंगे, खाने पीने का सामान कैसे आएगा? जिस दिन उन्होंने ऐलान किया था उस दिन तो बोले 2 दिन के अंदर सारे बैंकों में पैसा पहुंच जाएगा, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, एटीएम चालू हो जाएंगे, बैंक ठीक हो जाएंगे। अगले दिन उन्होंने कहा नहीं 10 दिन लगेंगे, फिर कल अरुण जेटली जी ने कहा नहीं 3 हफ्ते लगेंगे, अब प्रधानमंत्री जी कह रहे नहीं 50 दिन लगेंगे। तो 50 दिन तो क्या अब जनता का हाल हो गया कि 50 घंटे भी जनता अब इंतजार करने के हालत में नहीं है? पूरे देश के अंदर इमरजेंसी कैसे हालात हो गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग भूखे मर रहे हैं जिनके घर में पैसा है। गरीब लोग नहीं, गरीबों के घर में भी कुछ नहीं हो रहा, जिनके पास 500-500 1000-1000 की दाढ़ी मजदूरी करते थे, किसान थे, किसान का सारा काम ही कैश में होता है, वो सारा का कैश जो है उसका उस कागज का कोई मोल नहीं बचा, वो मिट्टी के वो कागज के टुकड़े रह गए उनके नोट। तो अब 50 दिन तक लोग इसी तरह से करेंगे, इससे पूरे देश के अंदर पैनिक है। जब से प्रधानमंत्री जी का भाषण आया है पूरे देश में एक जबरदस्त पैनिक चारों तरफ दौड़ गया है। मेरे पास कई फोन आए हैं, कई लोगों के SMS आए हैं।